धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से सुजानपुर थाना परिसर में त्र्यंबकम हवन का आयोजन करवाया गया। नवरात्र शुभारंभ को लेकर ये हवन आयोजित किया गया। विशेष रूप से इस हवन में तमाम वस्तुओं जो भी इस्तेमाल हुई वे गौ माता से प्राप्त होने वाली चीजों से किया गया। हवन के लिए विशेष गौ गोबर से बनाए गए उपले इस्तेमाल किए गए। गौ देसी घी के साथ गौ गंगा जल का इस्तेमाल किया गया। स्थान एवं प्राकृतिक शुद्धता के लिए श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में होने वाले इस त्र्यंबकम हवन का विशेष महत्व है। नवरात्र शुभारंभ पर इस हवन का आयोजन सुजानपुर शहर में होना अपने आप में सौभाग्यशाली बात है। योग शिक्षक एवं प्रवक्ता आर्ट ऑफ लिविंग संस्था अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि त्र्यंबकम हवन का आयोजन थाना परिसर सुजानपुर में करवाया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी विशेष रूप से थाना प्रभारी सुजानपुर सुभाष शास्त्री परिवार सहित मौजूद रहे। 108 बार महामृत्युंजय जाप का आयोजन करवाया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों ने इस जाप में भाग लेकर अपने तन मन को पवित्र किया। पुलिस स्टेशन के अंदर थाना प्रभारी श्री सुभाष शास्त्री जी की उपस्थिति के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आज यहाँ पर एक हवन का आयोजन किया गया, त्र्यंबकम हवन का। जिस हवन के अंदर सारे थाना प्रभारी के जितने भी स्टाफ हैं उन सब ने अपनी आहुति यहाँ पे डाली, और उसके साथ साथ यहाँ पे आज नवरात्रि शुरू हुआ है, नवरात्रि का पहला दिन था, उसी उपलक्ष्य में देवी माँ का भी यहाँ पे आवाहन किया गया। त्र्यंबकम हवन के बारे में ये मान्यता है कि त्र्यंबकम हवन जब भी हम कहीं किसी भी स्थान पर करते हैं तो ना केवल उस स्थान का वातावरण बदलता है बल्कि आसपास के स्थान का भी वातावरण उसमें परिवर्तन होता है। हमारे शरीर और हमारे मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए त्र्यंबकम हवन बहुत ही लाभदायक है। तो जिसका आयोजन आज सुजानपुर पुलिस स्टेशन में किया गया और श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में सुजानपुर में ये आयोजन किया गया, और भविष्य में इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती रहेंगी जिससे स्वयं व्यक्ति के स्वयं के जीवन में बदलाव आएगा और समाज में भी इसका एक अलग तरह की ऊर्जा प्रवाहित होगी। त्र्यंबकम हवन के इस हवन में देसी गाय के उपलों का इस्तेमाल किया जाता है और देसी गाय का घी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। इस जप के दौरान 108 बार महामृत्युंजय मंत्र के जप के साथ आहुति उसमें डाल सकते हैं, और जबकि यहाँ पर भी आज हमने क्या किया, जितने भी यहाँ पे स्टाफ के लोग थे हर एक स्टाफ के व्यक्ति ने 11-11 बार अपनी आहुति यहाँ पे डाली, और जो भी उनके मन में संकल्प थे चाहे अपने कार्य को लेकर के चाहे जन कल्याण को लेकर के, तो सबने उनकी मनोकामना के लिए किया और सबको उसका अधिक से अधिक लाभ मिला।